ये फीमेल डॉग है और ये BHU है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ना कि मैं बहुत ही आज दुखी, आज क्या, मैं कई दिन से मैं इस चीज को, यहाँ पर आप BHU के कुत्तों या डॉग्स की या किसी भी एनिमल की हालत देखेंगे वो इतनी बुरी होती है, ये लोग एक रोटी नहीं दे सकते हैं, इवन अपने घर के बाहर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसकी हालत कितनी बुरी है आप देख सकते हैं। आप इसके बच्चे की हालत देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इनके लिए मैं कर रही हूँ, मैं इनको 10 दिन से, मैं जब से मुझे पता चला एक हफ्ता 10 दिन से मैं रोज खाना ला के दे रही हूँ, पर इतना इन लोगों के लिए सफिशियंट नहीं है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि BHU जैसी जगह पे जहाँ इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, नॉर्मल लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो लोग एनिमल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चाहे वो सांड हो जिसका पाँव में चोट लगा हो, कीड़े पड़ जाए, लोग उसके बगल से निकल जाएंगे कि बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, पर BHU का अपना वेटरनरी डिपार्टमेंट है, वो लोग इन एनिमल्स के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसके और भी बच्चे हैं 5-6 और उतनी ही बुरी हालत है। मैंने हेल्प मांगी है, कल एक NGO आएगा, वो इन बच्चों को ले जाएगा और इनको इंजेक्शन लगाएगा, और जब तक ये हेल्दी नहीं हो जाएंगे वो अपने पास रखेंगे, पर मजबूरी ये है कि वो वापस यहीं पर इन लोगों को दोबारा छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो इन लोगों को रखें। वो जहां से ले जाते हैं उनको वहीं वापस छोड़ते हैं। पर ये इनसेंसिटिविटी जो है लोगों के अंदर, एक्स्ट्रा पढ़े लिखे लोगों के अंदर, मैं ये नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, मैं जानती हूँ पर्सनली कि बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत हेल्प कर रहे हैं, पर मैक्सिमम 80% लोगों को मैं ये देख रही हूँ, इवन 1-2 दिन लोगों ने मुझे मना भी किया, प्लीज आप खाना मत दीजिए, खाना देने से क्या इनका पेट भर रहा है, आप खाना मत दीजिए क्योंकि ये फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बुरा लगा और मैं बहुत दुखी हो गई इसकी स्पेशली हालत देख के। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको अभी मैं सुसवाही का मैं एरिया ले जा, जो जिसको ग्रामीण एरिया माना जाता है, जिसको नगर महापालिका नहीं माना जाता है, मैं वहाँ के एरिया के कुत्तों की हालत आपको दिखाऊंगी, लोग कितने सेंसिटिव हैं और किस तरीके से वहाँ के लोग बिहेव करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये कॉलोनी वालों ने देखिए यहाँ पे एक नाद रखी है, और जिसके घर में जो भी खाना बचता है वो लोग लाके इसमें डाल देते हैं, और वो गाय हो या डॉग्स हो वो सब खा लेते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये कॉलोनी मेरी एकदम गांव में आती है, देख लीजिए इसकी कितनी बुरी हाल है, यहाँ पे रोड भी नहीं है बहुत अच्छे से, पर फिर भी लोग सेंसिटिव हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पर जो रोड में भी जो देसी कुत्ते हैं उसके बच्चे हुए हैं, उसके बच्चों को मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी, ये देखिए ये इसकी माँ है, ये कोई बहुत विदेशी नस्ल की नहीं है, बस सिर्फ क्या है इसको खाना ढंग से मिला है। और ये देखिए इसके बच्चे हैं, छोटू 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 आजा आजा आजा, ओले बाबो कितना क्यूट है भाई ये लड़का, ये देखिए ये देसी के बच्चे हैं, वो देखिए ये देसी है, और ये देखिए ये इसके बच्चे हैं। और यहाँ पर और भी है, ये देखिए ये एक और है, और इनको ये देखिए रोज हम लोग रेगुलरली खाना देते हैं। हीरो आओ, ये है रानी, ब्राउनी, हीरो, ये सब अपने अपने नाम जानती हैं।